हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का। इसमें नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितना भी टिपिकल से टिपिकल नोमेनक्लेचर जो होता है क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए, यहां पर इस चैप्टर में सीखने का मौका मिलता है। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब बेसिक प्रिंसिपल में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ कार्बन। स्टडी ऑफ कार्बन बड़ा इजी वे में, बहुत इजी वे में आपको नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में क्या है मैं थोड़ा सा यहां पर बताना चाह रहा हूं, फिर टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। कार्बन, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होती है। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन पढ़ना है, शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड पढ़ना है, सम फीचर्स ऑफ पाई बॉन्ड पढ़ना है, फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस सीरीज पढ़ना है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, जीएफ, बीएफ, सीएफ, एसएफ, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं। बेटा, कोई भी स्ट्रक्चर है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको हम कैसे बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे स्ट्रक्चरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। जो नोमेनक्लेचर हमारी होती है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ट्राइबियल नेम, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम के बारे में आपको बताया जाएगा। क्या है ट्राइबियल नेम, क्या है आईयूपीएसी नेम, क्या है कॉमन नेम। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेमिंग की जाती है, ये नेमिंग का जो कंसेप्ट है, हम उसका यूज कैसे करेंगे वो आपको बताया जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो जीएफ, बीएफ, एसएफ, सीएफ, एमएफ के बारे में जो हमने बोला, जनरल फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, मैं बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं अभी, फिर हम टॉपिक पर आएंगे। अल्केन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होता है, अल्कीन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होता है, और अल्काइन भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है। जितने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं, और वो हाइड्रोकार्बन फिलहाल आपको दो टाइप का मैं पढ़ा रहा हूं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। अब अल्केन का जीएफ जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अल्कीन का जीएफ जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। अल्काइन का जीएफ CnH2n-2 होता है। एन क्या है, नंबर है, जो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो अल्केन में मीथेन कहते हैं। अल्कीन में देखो डबल बॉन्ड होता है, इसका कंडीशन है कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, इसका कंडीशन है, इसलिए कम से कम एन की वैल्यू 2 लेना है आपको। तो अल्कीन का पहला कंपाउंड इथ, और ये सफिक्स वर्ड इन, इथिन हो जाएगा, यहां पे सफिक्स वर्ड ए एन ई, मीथेन हो जाएगा। अल्केन में सफिक्स वर्ड ए एन ई, ए एन ई, ए एन ई, ये सफिक्स वर्ड है जो सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, यानी कार्बन है ना, अपने कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है।
उसी को हम अल्केन कहते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। यदि आपको ज्यादा भी पढ़ना हो, अंडिकेन, डोडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन, ऑक्टाडिकेन, इको, ये आप इकोजेन, अनिकोजेन, डोजेन, ट्राइकोजेन, टेट्राइकोजेन, पेंटाइकोजेन, आपको हेक्साइकोजेन, हेप्टाइकोजेन, हेप्टाइकोजेन, ऑक्टाइकोजेन, नोनाइकोजेन, ट्रायन कंटेंट, तो ये 100 तक है जो हम लोग पढ़े हैं। आप लोगों को बस 10 तक याद रखना है, राइट। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये अल्कीन में सफिक्स वर्ड ईएनई, अल्काइन में सफिक्स वर्ड वाईएनई। तो हम आपको प्रॉपर बताएंगे पुरुसु, प्रीफिक्स वर्ड पू, रूट वर्ड रू, सफिक्स वर्ड सु। तो ज्यादा यूज सु का करेंगे, सु का करेंगे, सु का करेंगे, यानी सफिक्स वर्ड का करेंगे। क्लियर। तो चलिए आज हम इंट्रोडक्शन आपको मैंने बताया क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल। अब हम आपको बताएंगे अगले क्लास में इससे रिलेटेड, अगले क्लास में इससे रिलेटेड हम बताएंगे आपको कि कैसे कंपाउंड की नेमिंग करेंगे। सबसे पहले अल्केन के कंपाउंड में कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम क्या है, अल्कीन में कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कैसे होता है, अल्काइन में कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम कैसे होता है। फिर हम नॉर्मल आइसोनियो का कंसेप्ट आपके सामने हम रखेंगे और आप भी बोलेंगे कि केवल कंसेप्ट रखेंगे और उसका कंसेप्ट अभी आ नहीं रहा है। आएगा, आएगा, इंतजार कीजिए, इंतजार का फल मीठा मिलता है, सब्र का फल मीठा होता है। नॉर्मल आइसोनियो का कंसेप्ट भी आपको समझाएंगे हम, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी का कंसेप्ट बताएंगे आपको, किस तरह से कॉमन नेम और किस तरह से आईयूपीएसी नेम आप करेंगे, कॉमन नेम और ट्राइबियल नेम में क्या डिफरेंस है, आईयूपीएक में क्या डिफरेंस है, आईयूपीएक कब बना। तो ये सारे रूल्स हैं जो रूल आपको अगले क्लास में बताएंगे, और कंपाउंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बॉन्डलाइन फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सारे जनरल फॉर्मूला के बारे में हम बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक, नए टॉपिक के साथ हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, केवल आप वीडियो देखते हैं, अरे भाई आपको मालूम है सब्सक्राइब भी करना होता है, लाइक भी करना होता है यार, तब तो अगले की और ज्यादा से ज्यादा बनाने की इच्छा होगी और आपके पास भेजने की इच्छा होगी वीडियो। ओके, बाय बाय बाय, धन्यवाद।